हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगजोन में। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपना एक चैप्टर कंप्लीट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ आज हम लोग एक बहुत सिंपल चैप्टर पढ़ेंगे जो है SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स। यह एक्चुअली पीरियोडिक टेबल का ही एक एक्सटेंशन है, हम लोग को वहां पर पढ़ाना चाहिए था लेकिन हम लोग उसे एक सेपरेटली डील करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल चैप्टर है, ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 40 मिनट्स का ये सेशन होगा और हम लोग इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस पी डी एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम लोगों ने अपना पीरियोडिक टेबल तो ऑलरेडी कवर कर लिया है, वहां पर हम लोगों ने सारी चीजें देखी थी कि क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल हमारे रोज होते हैं और वर्टिकल कॉलम्स में हमने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ देखा, डॉबर्नियर के ट्राइड्स देखे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं ये चीज हमने देखी, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्रिजिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, हैलोजेंस, निक्टोजेंस, चैल्कोजेंस, जीरो पीरियड या फिर नोबल गैसेस की बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने सारी चीजें वहां पर पढ़ ली है। यहां पर हम लोग एक बहुत सिंपल सा ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं कि एस पी डी और एफ ब्लॉक हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्चुअली जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर भी एंटर कर जाएगा, जिस ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा, वो एलिमेंट उसी पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा एस ऑर्बिटल में एंटर कर जाए तो मेरा एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, पी में एंटर कर जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, डी में एंटर कर जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो ये इस तरीके से मेरा डिविजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर एंटर कर जाएगा, एस ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा। तो यहां पर क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल, तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया हमने, एस ब्लॉक का एलिमेंट बोल दिया। ठीक है, तो एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जो हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो हमारे एस जो सबशेल होती है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, ओनली वन ऑर्बिटल फॉर एस सबशेल, फॉर एस सबशेल। ठीक है, तो एस सबशेल का एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें बस हमारे मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर क्या है, सिर्फ दो एलिमेंट्स है, यहां पर हमारे सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पी ब्लॉक में सिर्फ हमारे दो एलिमेंट्स हैं, सो क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो ओनली टू एलिमेंट्स, ठीक है, ओनली टू एलिमेंट्स ही है हमारे एस ब्लॉक में। तो सबसे शॉर्टेस्ट ब्लॉक कह सकते हैं, एस ब्लॉक हमारा सबसे शॉर्टेस्ट ब्लॉक, दिस इज द शॉर्टेस्ट ब्लॉक। ठीक है, यहां पर बात करें ग्रुप वन एलिमेंट्स की, हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो नहीं सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, ये शॉर्टेस्ट नहीं है, आई एम सो सॉरी शॉर्टेस्ट नहीं है, तो ओनली टू एलिमेंट्स नहीं यहां पे, ओनली टू एलिमेंट ग्रुप एलिमेंट्स है, सॉरी ओनली टू ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, दो ग्रुप के एलिमेंट्स को यहां पर अकोमोडेट किया गया है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, यहां पर दो ग्रुप के एलिमेंट्स को अकोमोडेट किया गया है। ग्रुप वन सबसे पहला आता है यहां पर, ग्रुप वन है, ग्रुप वन कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स वाला ग्रुप हो गया, वो आ जाएगा हमारे एस ब्लॉक में। ठीक है, फिर हमारा हो गया ग्रुप टू, फिर हमारा हो गया ग्रुप टू, वो कौन सा हो गया हमारा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। तो दो इसमें मेनली हमारे आ गए। ठीक है, तो यहां पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक में, टोटल हमारे 14 एलिमेंट्स हैं, टोटल हमारे 14 एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक में। ठीक है, अब यहां पर बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मतलब सारे एलिमेंट्स की जो
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है यहां पर NS122, जहां N क्या है, जहां N वैरी करता है 2 से लेके 7 तक, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम दो ही आएंगे, या तो एक आएगा या तो दो आ जाएंगे। ठीक है, तो हीलियम हमारा जो है वो बिलोंग तो एस ब्लॉक को करता है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन क्या है, हीलियम हमारा एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, लेकिन ये रखा कहां पे गया, ये रखा हमारा पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा हीलियम को कहां रखा गया, पी ब्लॉक में रखा गया है। किसके साथ, ये किसके साथ रखा गया है हमारा, ये रखा गया है जीरो गैसेस, नोबल गैसेस के साथ। ठीक है, नोबल गैसेस के साथ क्यों रखा गया है, बिकॉज वी हैव कंप्लीट डुप्लेट, इसका डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट डुप्लेट, या कह दें इसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और इट हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका डुप्लेट पूरा है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको अपनी नोबल गैसेस के साथ रख लिया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर अब बात करें हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक सिंगल एस इलेक्ट्रॉन है। अब बात करें हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन हैज वन सिंगल एस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास एक ही सिंगल एस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको हम लोगों ने कहां रखा है, हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज कुछ हैलोजन से भी मिलती है, लाइक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी इसके पास भी है, लेकिन इसको हम लोगों ने रखा किसके साथ है, एल्कली मेटल्स के साथ रखा है। ठीक है, एल्कली मेटल्स के साथ रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, मेटल्स की टेंडेंसी ज्यादा ये दिखाएगा, और अपना एक इलेक्ट्रॉन आराम से ये दे देगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और ले लेगा तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, और दे देगा तो ये एल्कली मेटल की तरह एक्ट करने लगेगा, दे देगा तो ये मेटल भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हैलोजन्स के साथ भी रख सकते थे, इसको हम लोग एल्कली मेटल्स दोनों ही जगह रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यहां पर। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नाउ वी विल लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला है, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स होंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये हो गए, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये होते हैं हमारे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल वाले मॉड्यूल्स है वो जरूर जाकर देख लीजिए, तो वहां से आपको ये सारे टर्म्स का मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, इजिली लूज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इजिली लूज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजिली लूज कर देते हैं ताकि ये प्लस वन और प्लस टू वैलेंसी बना सके। ठीक है, यहां पर इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली आयोनिक होते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली इन सबके एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, एक्सेप्ट बात करें यहां पर बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम का कंपाउंड आयोनिक नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गए। एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि अगर इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं इसे आप फ्लेम में जलाओगे तो वो एक कलर इम्पार्ट करेंगे, तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। ठीक है, ये फ्लेम को कलर इम्पार्ट कर सकते हैं, ये हो गया। और क्योंकि ये मेटल्स होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है तो वो डोनेट कर देगा आराम से। ठीक है, और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड ये कंडक्टर्स
होते हैं। तो इतनी ही बेसिक चीजें थी जो हमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़नी थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहां पर जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जाएगा, पी ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इन लोग इसको हम लोग बोल देंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको हम लोग बोल देंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, पी ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में छह ग्रुप है हमारे, ठीक है। यहां पर मे बी हमारे सिक्स ग्रुप्स हैं और कौन कौन से हैं, ग्रुप है हमारा 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो मेनली बात करें हमारे पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में जितने ग्रुप्स आ गए वो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हो गए, ठीक है। 18 तो हमारा हो गया जीरो गैसेस का, नोबल गैसेस का। 17वां हो गया हमारा हैलोजेंस का, ये हो गया मेरा चैल्कोजेंस का, ये हो गया मेरा निक्टोजेंस का, ठीक है। ये सारे ग्रुप हो गए हमारे। उसके बाद क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां कहां जा सकता है, 2p में जा सकता है, 3p में जा सकता है, 4p में जा सकता है, 5p में जा सकता है और 6p में जा सकता है, ठीक है। यहां यहां इलेक्ट्रॉन्स हमारे इन ऑर्बिटल्स में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन एंटर इनटू दीज ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हो गया मेरा यहां पे। तो क्या होता है यहां पर कि यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, मेरे यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स है 36 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। 36 एलिमेंट्स टोटल हैं इन पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में मेनली मेरा 36 एलिमेंट्स हो गए ई ब्लॉक में, जिसमें से ग्रुप 18, ग्रुप 18 की बात करें तो इनको हम लोग क्या बोल लेते हैं, नोबल गैसेस, क्या बोल लेते हैं, नोबल गैसेस, या बोल देते हैं इनर्ट गैसेस, क्या बोल देते हैं, इनर्ट गैसेस। क्यों इनर्ट गैस बोलते हैं, क्योंकि इनकी कोई भी रिएक्टिविटी नहीं होती, जीरो रिएक्टिविटी, बिकॉज दे हैव जीरो रिएक्टिविटी, ऑलराइट, दे हैव जीरो रिएक्टिविटी, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट या डुप्लेट पहले से ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब क्या होता है, उनमें सॉल्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी, ठीक है, अपना सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी होती है, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं, हैलो। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर, हैलोजन, जेन मतलब जेनरेशन, तो सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रुप 16, ग्रुप 16 वाले को क्या बोलते हैं, इनको बोल देते हैं हम चैल्कोजेंस, ग्रुप 16 वाले को क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को क्या बोल देते हैं, चैल्कोजेंस बोल देते हैं, ठीक है। और ग्रुप 15 वाले को क्या बोल देते हैं, निक्टोजेंस, ठीक है। ग्रुप 15 वाले को क्या बोल देते हैं, निक्टो, PNICTOGENS, निक्टोजेंस, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे निक्टोजेंस। और ऐसा देखा गया कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर हमारे क्या बनते हैं, इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इन्हें हम लोग यहां पर बोल देते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि साइड बाय साइड अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा, पीडीएफ के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, स्पेशली साइंस में। एक बार को मैं मैकेनिकल में सोच सकता हूं प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन यहाँ सिलेबस बहुत कम है और टाइम बहुत ज्यादा है हमारे पास। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि साइड बाय साइड नोट्स जरूर प्रिपेयर करते जाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की कुछ बात करेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहां पर, ये यहां पर हमारे मेटल्स भी होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हमारे मेटल्स भी हैं, कुछ इसमें से क्या है नॉन मेटल्स भी होंगे, दोनों ही यहां पर पाए जाएंगे,
मेटल्स भी होने वाला है और यहाँ पर हमारा नॉन मेटल्स भी है, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल्स की जो संख्या है वो ज्यादा है. देयर आर मोर नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इन द पी ब्लॉक एज कंपेयर टू द मेटल्स हो गए. ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, और क्या है, हायर है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक के कंपैरिजन में यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. यहां जितने एलिमेंट्स होंगे दे मेनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स. यहां पर ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे. दे मेनली फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड्स. क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की टेंडेंसी ज्यादा होगी, डोनेट करने की टेंडेंसी यहां पर कम होगी. ठीक है, यहां पर क्या होता है, सम एलिमेंट्स हैव मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट. एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी कुछ यहां पर एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी हमारे यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं. और ऐसा देखा गया है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पी ब्लॉक में, हमारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से हमारे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो ये हो गए हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक. ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं एस पी हो गया, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में यहां पर हम लोग पढ़ेंगे. डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में चला जाएगा. तो अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की यहां पर अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे 10 ग्रुप्स होंगे. 10 ग्रुप्स हैं यहां पर हमारे टोटल जो हमारे डी ब्लॉक में आएंगे. कौन कौन से हमारे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये सारे जितने ग्रुप्स हैं ये हमारे डी ब्लॉक के अंडर में आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर 10 ग्रुप्स हो गए. इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां देखिए, मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ns 1 to 2. ठीक है, ये हो गए इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, जहां जो मेरा n है ये क्या हो सकता है, n कैन लाई बिटवीन 4 to 7, 4 से 7 के बीच में मेरा n की वैल्यू यहां हो सकती है. ठीक है, तो क्योंकि d ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे s और p के बीच में लाई करते हैं. ठीक है, s और p के बीच में हमारे लाई करेंगे, तो हम इनको बोल सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टीज s और p के बीच में आएंगी, s और p एलिमेंट्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज आएंगी, तो इसको हमने बोल दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, अब इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोगों ने 4 सीरीज में बांट दिया. ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे 4 सीरीज में बटे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. तो 4 सीरीज में हमारे हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज है वो हमारा क्या हो गया, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमारे 10 एलिमेंट्स हैं, कहां कहां से लेके, स्कैंडियम से लेके जिंक तक. ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में हमारे कहां कहां से, येट्रियम से लेके कैडमियम, येट्रियम से लेके कैडमियम तक हो गया. थर्ड कहां से कहां है, हाफनियम से मरकरी, यह है हमारा हाफनियम से मरकरी तक हो गया.
और फोर्थ कहाँ है हमारा, फोर्थ है हमारा रदरफोर्ड, एक्टिनियम से लेके रदरफोर्डियम तक, एक्टिनियम से लेके रदरफोर्डियम तक हो गया। तो ऐसा कोई बहुत याद करने वाली इसमें इतनी भयानक चीजें हैं नहीं, मैं तो सजेस्ट भी नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा टोटल कितने हैं इसमें, लगभग हमारे 40 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है 40 एलिमेंट्स हो गए, जिसमें 10 ग्रुप्स है, तो 10 ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हो गए, 40 एलिमेंट्स हो गए हमारे डी ब्लॉक के, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर 40, ठीक है। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, सबसे पहला कैरेक्टर है हार्ड होते हैं, दे आर जनरली हार्ड, मेलिएबल, हार्ड होंगे यहां पर, मेलिएबल होंगे, डक्टाइल भी होंगे, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हमारे देखा गया डक्टाइल होते हैं, विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा यहां पर कुछ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, दी आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी जो होगी वो लाई करेगी किसके किसके बीच में, S और P के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो S से ज्यादा होगी, P से कम होगी, तो हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी लाइज बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी लाई कर जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएंगे, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहां पर, ये क्या होते हैं, अलॉय बनाते हैं, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म अलॉय, ठीक है, ये अलॉय बनाते हैं अपना। लास्ट प्रॉपर्टी इसमें देखिए, जिंक कैडमियम और मरकरी को देखें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक कैडमियम और मरकरी को देखें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, N-1d 1 to 10 NS2, ठीक है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ज्यादातर मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएंगे, तो मतलब एक तरीके से कहते हैं थोड़ा हमारे एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं, ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ज्यादा प्रॉपर्टीज को नहीं शो करते हैं। अब इसमें लास्ट पार्ट देखते हैं हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत बेसिक चीजें ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत हाई फाई बातें यहां पर हम लोग नहीं कर रहे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका जो एक कोई भी एक लास्ट इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो एफ ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है, एफ ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो उसे बोल देंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फिल हो जाएगा, एस ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो होगा, ठीक है, उसमें डी ऑर्बिटल का पेनल्टीमेट शेल मतलब सेकेंड लास्ट, डी ऑर्बिटल पेनल्टीमेट शेल में क्या हो जाएगा, यहां पर जीरो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां पर वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, वेरिएबल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहां पर डी ऑर्बिटल की पेनल्टीमेट शेल में। लेकिन एंटी पेनल्टीमेट, मतलब पेनल्टीमेट होती है N-1, एंटी पेनल्टीमेट कौन सी हो जाएगी, एंटी पेनल्टीमेट हो जाएगी N-2, इसमें कितना होता है, फिर ये भरेगी, सबसे पहले S भरेगा, फिर D भरेगा, फिर ये वाला भर जाएगा, तो इस तरीके से यहां पर फिलिंग होगी, ठीक है। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स कहां रखे गए हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे प्री पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखे गए हैं, कौन कौन से हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ठीक
है, वो हमारे पीरियोडिक टेबल में नीचे रखे गए. क्यों रखे गए? क्योंकि अगर हम उन्हें मेन बॉडी में प्लेस कर देंगे तो क्योंकि उनकी इतने ज्यादा अमाउंट में है कि पूरी हमारी पीरियोडिक टेबल डिस्टॉर्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी. एंड दैट इज वाई वी हैव केप्ट लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स एट द बॉटम ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल. तो हम लोगों ने उनको बॉटम पे रख दिया. अब यहां पर देखते हैं, जो बात करें फर्स्ट सीरीज हमारी जो है, फर्स्ट सीरीज की बात करें तो फर्स्ट सीरीज जो हमारा शुरू हो रहा है वो होगा हमारा सीरियम से. ठीक है, सीरियम एटॉमिक नंबर 58 और यहां से कहां तक जाएगा? ल्यूटीशियम. ल्यूटीशियम से जाएगा, ल्यूटीशियम तक जाएगा 71 तक. ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट सीरीज. ठीक है, और फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सिक्स्थ पीरियड. ये हमारे सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट्स हो गए. इन्हीं को कहते हैं लैंथेनाइड्स. इन्हीं को कहते हैं हम लोग लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स. ठीक है, तो सिंस ऑल दी, तो लैंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट लैंथेनम नहीं है, ये चीज हमें याद रखनी है. ऑलराइट, तो इसको हम लोग रेयर अर्थ पेटल्स भी बोल देते हैं. रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हम लोग इनको बोल देते हैं. रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ में बहुत रेयरली पाए जाते हैं, अर्थ में हमारे बहुत रेयरली अकर करते हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं रेयरली रेयर अर्थ मेटल्स. ठीक है, तो जो सेकंड सीरीज है वो शुरू हो रही है हमारी थोरियम से और जा रही है लॉरेंशियम तक. सेकंड सीरीज जो है हमारी, सेकंड सीरीज कहां से शुरू हो रही है? थोरियम से शुरू हो रही है, एटॉमिक नंबर है 90 और जा रही है लॉरेंशियम तक. लॉरेंशियम तक एटॉमिक नंबर है 103. तो ये हो गई हमारी सेकंड सीरीज के एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ एफ ब्लॉक के बारे में. अब देखते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑलराइट, देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या है, ये हमारे ज्यादातर हैवी मेटल्स होते हैं. दे आर मेनली हैवी मेटल्स. सो दे आर मेनली हैवी मेटल्स. ये ज्यादातर हमारे हैवी मेटल्स होते हैं. ठीक है, फिर सेकंड क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होगा. तीसरा क्या होगा, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे ये दिखा देंगे. ठीक है, चौथा होगा, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कलरफुल होते हैं. ठीक है, कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड. ठीक है, जनरली कलर्ड होंगे. ठीक है, तो इनकी एक और होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है. तो लिख देंगे, दे हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, और ये ज्यादातर क्या है, रेडियो एक्टिव है. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर. ये हमारे ज्यादातर क्या है, रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर. तो मतलब रेडियो एक्टिव होंगे तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वो स्टेबल नहीं होगा, कंटिन्यूसली टूटता रहेगा, और जब वो ब्रेक होगा तो इट विल गिव आउट अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन. ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो यहां पर हम लोगों ने एस ब्लॉक को डिस्कस किया, पी को किया, डी को किया, और एफ ब्लॉक को भी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया. तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी सेक्शन यहाँ पर फिनिश होता है, और यही इतना ही पढ़ना था हमें SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स में. तो अब कहें हमारा कंप्लीटली जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया वो तो हमारा CBT 1 और CMA के लिए था, लेकिन ये पार्ट जो था वो मेनली थोड़ा CMA सिलेबस के लिए ज्यादा है. तो इसी के साथ ये फिनिश होता है. नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जहां पे हम लोग पॉल्यूशन के बारे में और एनवायरमेंटल वाला भी जो सेक्शन है वो यहाँ पर कवर करेंगे. So thank you so much for watching, or do subscribe, Unacademy will follow, or like जरूर दबाइएगा. Thank you so much.